तो चलो प्यार बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जनरली ये बच्चे बहुत गलती किए थे। तो चलो यहाँ पर तुम देखोगे इस क्वेश्चन में बेसिकली कि एक करंट कैरिंग रिंग है, वायर लूप है, समझ रहे हो, जिसमें करंट आई फ्लो हो रही एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन सीन फ्रॉम द, यहाँ अपनी आँखें रखता हूँ और कोई भी आदमी यहाँ अपनी आँखें रखता है और आंखें फाड़ के देख रहा है, तो उसको जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज में दिखाई दे रही है, ऐसा ये बता रहे हैं। अब ये जो रिंग लूप है वो वाई जेड प्लेन में है और एक्स प्लेन के बाहर है, समझना। तो लूप लाई इन एक्स वाई प्लेन, सॉरी लूप जो है वो एक्स वाई प्लेन में है और जेड, हाँ ठीक तो है, लूप एक्स वाई प्लेन में है और जो एक्स है वो बोर्ड के बाहर है। द प्लॉट ऑफ द, देखो किसके किसके बीच ग्राफ बनाया जा रहा है, द जेड कॉम्पोनेंट, जे कॉम्पोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है, इधर पॉजिटिव वाई में जाओ तो जो मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्पोनेंट है, यहाँ से सेंटर से आपको चलना है ए डिस्टेंस पे, ऊपर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा, ऑन द वाई जेड प्लेन ऑफ जेड कोऑर्डिनेट लुक लाइक, मतलब वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन मतलब यार इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, उसका एक ग्राफ है। तो चलो जब ये बात क्लियर है कि जब मैं ऊपर जाऊंगा, देखो ऊपर जाऊंगा तो ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, डिस्टेंस पॉजिटिव है, और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा सबसे पहले उसको देख लेते हैं। जैसे सेंटर पर, लूप के सेंटर पर आप सब पढ़े होंगे, तो लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, सीधी होती है, एक स्ट्रेट होता है, इसको मैं ऐसे दिखाया हूँ। तो जो सेंटर होता है तो सेंटर पर तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सीधी होती है यहाँ पे, तो सेंटर पर अगर सीधी होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है एट सेंटर बी नेट, वो ओनली अलोंग इस सिचुएशन में देखोगे तो पॉजिटिव जेड एक्सिस में है, मतलब सेंटर पर बात करोगे तो वाई एक्सिस में इसका कोई कंपोनेंट ही नहीं है, ठीक है, तो वाई एक्सिस में कंपोनेंट ही नहीं है, मतलब जब ए की वैल्यू जीरो है तो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट जीरो है, सेंटर की बात कर रहा हूँ बेटा, सेंटर का, तो इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही नहीं हो सकता और ये सही नहीं हो सकता। अब बच गए दो, या तो ये सही है या तो ये सही है। देखो ऊपर जाओगे तो ए पॉजिटिव है और नीचे जाओगे तो ए की वैल्यू निगेटिव है, ठीक है ना, डिस्टेंस निगेटिव है। अब देखो यहाँ पर अच्छे से देखना, ये जो कर्व वाला पाथ है, यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर मैं टेंजेंट बनाऊँ तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा और इसका हॉरिजेंटल वाला जो कॉम्पोनेंट है वो इधर आएगा, जो कि बी जेड एक्सिस में आएगा, और जो y वाला कंपोनेंट है वो ऊपर जाएगा, दैट इज द बी वाई। आ रहा समझ में भाई, इसको जूम करके देखोगे यहाँ पर तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर्व पाथ पे है, कर्व पाथ है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड b है वो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा बी जेड और एक आ जाएगा यहाँ पे बी वाई, और बी वाई ऐसे जब हर किसी पॉइंट पे बनाओगे, ठीक है ना, तो पूरा जो y है वो पॉजिटिव आ रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड BY की जो कंपोनेंट है वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब A पॉजिटिव और B पॉजिटिव, तो A की वैल्यू बढ़ रही है तो B की वैल्यू पॉजिटिवली बढ़ रही है, तो A की वैल्यू बढ़ रही है और B की वैल्यू पॉजिटिवली बढ़ रही है, मतलब A भी सही हो सकता है, A भी सही हो सकता, अभी ये क्लियर नहीं हुआ। अब नीचे आओ तो जब यहाँ से रिंग के नीचे आओगे तो A की वैल्यू निगेटिव है, तो जब नीचे आओगे तो यहाँ पर तुम, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जब नेट मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट बनाओगे ऐसे किसी पॉइंट पर टेंजेंट, तो ये नेट मैग्नेटिक, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक आ जाएगा बी जेड और एक आ जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड जो होगा बी वाई, जो कि निगेटिव जे कैप में जा रहा है, ठीक है ना, आ रहा समझ में, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब नीचे आओगे तो ए की वैल्यू निगेटिव है और जो बी वाई कॉम्पोनेंट है वो भी निगेटिव है, तो ए इंक्रीज होगा तो बी वाई की वैल्यू भी निगेटिवली इंक्रीज होगी,
ठीक है, और इंक्रीज होते होते मैक्सिमम हो जाती है, ऐसा कैलकुलेशन में है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है और ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका सही है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पे।